हाँ बेटे, आज मैं तुम्हें जल्दी चला रहा हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है अब्बा जान? बेटे, हमें बहुत दूर जाना है, कुछ नेक काम करना है, अल्लाह का हुक्म मानना है ना। अल्लाह का हुक्म? हाँ बेटे, अल्लाह का हुक्म। अगर अल्लाह हमसे कुछ मांगे तो हमें क्या करना चाहिए? हमसे अल्लाह ने जो कुछ भी मांगा है वो उन्हें दे देना चाहिए। तो फिर चलो बेटी, तैयार हो जाओ, हमें इसी वक्त निकलना है। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा, अल्लाह ने मुझसे कुर्बानी मांगी है। कुर्बानी? किसकी कुर्बानी? मुझे जो सबसे अजीज है उसकी। बेटा तो दे दो ना अब्बा जान। बेटा, तुम ही तो मेरे सबसे अजीज हो। तो क्या हुआ अब्बा जान, दे दो मेरी कुर्बानी। अल्लाह के लिए कुर्बान होना तो मेरे लिए फख्र की बात है ना। हाँ बेटा, हमारे लिए फख्र की बात। चलो बेटा, तैयार हो जाओ कुर्बानी के लिए। तुमने मेरे एक इशारे पर अपने प्यारे बेटे की जान की भी परवाह नहीं की। तुम पर नाज है मुझे, तुम एक सच्चे मुसलमान हो। जाओ इब्राहिम, अब दुनिया का सारा गम दूर हो जाएगा, तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी। आज से मैं तुम्हें दुनिया का रहनुमा करार देता हूँ। जाओ, आज से तुम इस्लाम धर्म को सारे संसार में फैलाओ। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता इब्राहिम, कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपकी मर्जी या खुदा। ये रोमांचकारी घटना हर इंसान को कुर्बानी यानी त्याग का मूल्य बताती है। नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था, यहाँ कई तरह की सत्ता थी।